हल्द्वानी में विभिन्न संगठनों ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर मिशन फाउंडेशन द्वारा सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन। समाज ने कहा कि आज तक कोई भी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्धारण आरक्षण कोटा पूर्ण ही नहीं कर पाई है, जो कि इन वर्गों के साथ अन्याय है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को किए गए निर्णय पर अनुसूचित समाज प्रधानमंत्री से इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समाज का उसमें एक वर्गीकरण आया और क्रीमी लेयर के द्वारा आरक्षण दिया जाएगा, उसमें एक वर्गीकरण होगा। तो वो आरक्षण जिस जो आरक्षण की मूल भावना थी, जिस वजह से आरक्षण दिया गया था एससी समाज को, तो क्रीमी लेयर का जो आरक्षण आएगा वो पूरा पूरे देश का एससी समाज एकत्रित हुआ है। और आज सभी हम सभी बुद्ध पार्क से यहाँ पर रैली करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सबकी एक ही मांग है कि समाज के अंदर भी वर्गीकरण जिस प्रकार का किया जाने की कोशिश की जा रही है वो ना हो। सामाजिक संगठनों द्वारा आज एक ज्ञापन में दिया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है, जिसमें हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो वर्गीकरण को लेकर उसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन है, इसको हम जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करें।